जय सियाराम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी तो ऐसे हैं जिनकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता, नारद सारद जिनकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। वैसे तो जय हनुमान कहिए तब भी भक्तों का कल्याण हो जाता है, लेकिन भक्त अगर हनुमान जी के मंत्रों के बारे में, हनुमान जी की पूजा पद्धति के बारे में अगर जानना शुरू करें तो काफ़ी गहरे तक प्रवेश करना होता है और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ निकल कर सामने आती हैं कि भक्त आश्चर्य में भी पड़ जाते हैं। और अलग अलग रूपों की चर्चा की गई है हनुमान जी की, अलग अलग मंत्रों की चर्चा की गई है, और हमारी भी यही कोशिश होती है कि लगातार कुछ ऐसा खोजकर आपके लिए लाएं जो आपके लिए हितकर साबित हो, लाभदायक हो और हनुमान जी कृपा आप पे बरसे। कुछ ऐसे ही चर्चा आज करने जा रहे हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम जी। आचार्य जी, आपने कहा कि कुछ ऐसी बातें आज आप करेंगे जो भक्तों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा, क्या खास बता रहे हैं? जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आज मैं हनुमान जी के विभिन्न रूपों के विषय में बताना चाहूँगा कि हनुमान जी की किस उद्देश्य से कौन सी तरह की तस्वीर की पूजा करनी चाहिए या मूर्ति की पूजा करना चाहिए। कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम 11 मुखी हनुमान जी की पूजा करें या 5 मुखी हनुमान जी की पूजा करें, दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करें या उत्तर मुखी की पूजा करें। इस तरह की कई स्थितियाँ होती हैं, तो ये सब भ्रांतियों को मैं दूर करने के लिए आपको मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि ये आपके उद्देश्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस उद्देश्य से किस देवता की पूजा करते हैं, किस हनुमान जी की पूजा करते हैं। अगर किसी कारण से मान लीजिए कि आपके दक्षिण मुखी हनुमान जी घर में आपने रखा हुआ है, तो ये मत समझिए कि ये गलत है, ये भी वही काम करेगा। 19-20 का जरूर थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है कि अपने मनसा के अनुसार उस रूप के स्वरूप को हम लोग केंद्रित करते हैं ध्यान उनके ऊपर। अब जैसे किसी स्टूडेंट है, उसका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लग रहा है, या कोई बुजुर्ग आदमी है, उन्हें मोक्ष प्राप्ति करने के लिए पूजा करनी है, वो ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, या कई लोगों की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दिमाग चंचल रहता है, ढंग से सो भी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की पूजा करनी है, तो वो लोग क्या करें कि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हनुमान जी की तस्वीर की पूजा करें। और ख़ासकर अगर उनका आँख बंद हो हनुमान जी की और ध्यान में मग्न हो, तो वैसे हनुमान जी की तस्वीर घर में रख के पूजा करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जी, अब जिस घर में बहुत ज़्यादा कलह है या परिवार के सदस्यों का मन मुटाव है, एक तरह की फ्रिक्शन है, बहुत अच्छी मैंने घर का इन्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे लोगों के घर में ना राम दरबार की तस्वीर जरूर होना चाहिए। उसमें भी हनुमान जी एक साइड में नीचे बैठे रहते हैं, राम जी होते हैं, सीता जी होते हैं, लक्ष्मण जी होते हैं, तो इस तरह की परिवार की राम दरबार की पूजा करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और उस घर में अगर सुंदरकांड का पाठ हो, खासकर मंगलवार और शनिवार को, तो और अच्छी बात है। जी जी। अब देखिए, एक चीज़ और बता रहा हूँ कि दाएं घुटने के बल पर बैठे हुए और आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की अगर पूजा की जाए तो उस घर में कभी भी संकट नहीं प्रवेश करता है। जैसे कई बार अप्रत्याशित रूप से अचानक संकट आ जा रही है, तो इस सब संकट में काफ़ी मुक्ति मिलती है। तो आशीर्वाद देते हुए और दाएं घुटने के बल पर बैठे हुए हनुमान जी की पूजा करना, इसमें दाएं घुटने पर बैठे हुए मतलब बायां पैर उठा रहेगा। हाँ, मतलब एक वर्ड है, दाएं घुटने के बल पर वो बैठे होंगे। दाया घुटना, हाँ, मैंने राइट हैंड, राइट पैर, वो मुड़ा हो, मुड़ा हुआ हो, उस पे बैठे। हाँ जी, हाँ जी, बायां उठा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की जो पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या किसी अपने सीनियर के साथ हमेशा रहते हैं और उनके विश्वास पात्र आप नहीं बन रहे हैं, जबकि आप विश्वास पात्र के काबिल है, आपके अंदर वो क्षमता है और आप सिंसियरिटी बाई फुल डेडिकेशन से आप वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे आदमी को भगवान श्री राम के पास बैठे हुए हनुमान जी की पूजा करें। वो तस्वीर मिल जाए कि भगवान श्री राम जी बैठे हुए हैं, नीचे हनुमान जी बैठे हुए हैं और हाथ जोड़ कर बैठे हुए हैं, और उस तरह की हनुमान जी की तस्वीर की अगर पूजा करें और मन में आपकी यही कामना हो कि हमारे भी जो मालिक हैं, ऑक्यूपायर हैं, एम्प्लायर हैं, जो भी आप बोले सेवा योजक हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिले, तो वो आपको क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको सुख बढ़ेगा और उनकी कृपा बननी शुरू हो जाएगी। अब एक चीज़ और बताऊँ कि कई बार आप ना निर्दोष हो, आपके ऊपर लंछना लग गई,
या आपको किसी पंचायत में अपने को ये प्रूफ कर देना है कि आप इनोसेंट हो, निर्दोष हो, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी इसमें कोई किसी तरह का आपने इसमें साजिश नहीं की है जानबूझ के। कोर्ट भी हो सकता है, कचहरी भी हो सकता है, पंचायत भी हो सकता है, या घर परिवार, चाहे घर के मुखिया के समक्ष या और चार पांच आदमी के बीच में। तो ऐसी स्थिति में आपको पूजा किसकी करना चाहिए? सीना फाड़ के हनुमान जी जो अपने बेगुनाही उसकी प्रूफ दिखा रहे हैं कि हमारे हृदय में तो हनुमान श्री राम माँ जानकी बैठी हुई हैं, तो एक इस तरह की तस्वीर की पूजा आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है, अब देखिए, दुश्मन अगर बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हों तो उस टाइम में आपको मतलब दुश्मन परेशान कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि उनका भी अहित हो, तब तो पूंछ में आग लगी हनुमान जी की तस्वीर लीजिए, नीचे लंका जल रही है, ऊपर से हनुमान जी पूंछ में आग लगे उड़ रहे हों, तो ऐसे हनुमान जी की पूजा अगर आप करें तो क्या देखेंगे कि दुश्मन जितना आपको परेशान कर रहा है उतना वो भी परेशान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूंछ में माँ जगदम्बा का वास है, मैंने बताया था आपको। तो अगर आप दुश्मन का संहार ही करना चाहते हैं कि नहीं ये दुश्मन ही समाप्त हो, दुश्मन हमारे रहे नहीं, उनको दंड मिलना ही चाहिए, तब आप राक्षसों को गद्दा से मारते हुए हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दें। ऐसे भी मार्केट में तस्वीर नहीं तो गूगल से तो निकाल लीजिए, गूगल हाँ, उसमें है कई, उसमें तो कई चीज़ें ऐसी हैं, हनुमान जी गदा से पिटाई लगा रहे हैं, हाँ पिटाई लगा रहे हैं, तो ऐसे हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी के चरणों की तरफ भी देखें और गद्दा की तरफ भी देखें, ध्यान केंद्रित करें और हनुमान जी से यही प्रार्थना करें कि जो मेरे पर प्रहार कर रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें और उनके साथ भी ऐसा हो। तो आप अगर सच्चे हैं तो निश्चित रूप से उसमें सुनवाई करते हैं हनुमान जी। अगर आपके घर में तंत्र मंत्र बाधा की ज़्यादा परेशानी है और तंत्र मंत्र बाधा की शांति आप चाहते हैं तो उस हालत में तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करना सबसे सार्थक होता है। पंचमुखी हनुमान जी का आपको पता ही है कि हर तरह के षड्यंत्र करने के बाद भी अहिरावण को जाके हनुमान जी ने मारा था, वध किया था और एक ही बार में पांच दिया, पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। तो इस तरह से आपका एक काम हो जाएगा और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसेगी। अगर सामूहिक रूप से कई शत्रु हों, माने एक होता है कि एक शत्रु या दो शत्रु है, एक होता है कि अनगिनत शत्रु हैं, सामाजिक बगावत की स्थिति है, सामाजिक विद्रोह की स्थिति, हाँ बहिष्कार की स्थिति है और आप एकदम सही रास्ते पे हो, तो ऐसे हालात में देखिए सबसे कठिन और सबसे पावरफुल अब की बात अगर करते हैं तो फिर 11 मुखी हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। फिर पंचमुखी से भी ऊपर उठिए, 11 मुखी हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए, उनकी तस्वीर रखिए घर में और पूजा करना शुरू कर दिए, तो सामूहिक संहार की शक्ति जो है इनके अंदर है 11 मुखी हनुमान जी की। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष हो गई है और आप बहुत तरह से हर तरह से परेशान हैं तो कोशिश कीजिए कि पश्चिम की दीवार पर एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा लें। अगर किसी कारण से वहीं टॉयलेट बन गया हो, आप नहीं लगा पा रहे हो, तो उसके दाएं बाएं करके आप लगा दीजिए, लेकिन टॉयलेट के गेट पे, टॉयलेट की दीवार पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर वो भी संभव नहीं है तो जहां आपका मंदिर है पूर्व दिशा में वहीं पर रख दीजिए तस्वीर, आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए तो आपको बहुत कुछ राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और बताइए, दो चीज़ें थोड़ा और स्पष्ट करें जी। जैसे आपने कहा कि पश्चिम की दीवार पर हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए तो वो पूर्वमुखी हो जाएंगे, पूर्वाभिमुख हो जाएंगे, पूर्व की तरफ देखेंगे। कई बार चर्चा हम लोग करते हैं कि उत्तर की दीवार पर लगा दीजिए, वो दक्षिण की तरफ देखेंगे। वो जनरल केस में दोनों में जरा डिफरेंस अंतर, हाँ वो मैं अभी आगे आपको बताना शुरू कर दूंगा। वो हमारे सेकंड वीडियो में भी आ रहा है पार्ट, उसमें भी आ रहा है कि सबसे बढ़िया हम लोग जनरल केस में मैं बताता हूँ कि दक्षिण मुखी हनुमान जी रखना चाहिए, वो तभी संभव है कि उत्तर की दीवार पर आप लगाएंगे, लेकिन परिस्थिति अगर चेंज है तो आप कहीं भी लगा दीजिए। हनुमान जी की तस्वीर घर में होनी चाहिए, पवित्र जगह होना चाहिए, हनुमान जी की तस्वीर उसी घर में होना चाहिए जहां मांस मछली अंडा शराब वगैरह का सेवन न हो और उसकी सुगंध या दुर्गंध हनुमान जी के नाकों तक न जाए, तब तो लाभ है, अदरवाइज
किसी काम का नहीं है। हनुमान जी उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। झूठे केस मुकदमा को जल्दी समाप्त करने के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह की कोई स्थिति आ जाए कोर्ट कचहरी की, पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर ले लीजिए, उसकी पूजा कीजिए, या सीना फाड़े हुए हनुमान जी की पूजा करें। जैसे विभीषण के ताना मारने पर उन्होंने अपना सीना फाड़ के ही दिखा दिया था कि मैं क्या चीज हूँ, तो वो वाले हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सब तरह के सुख अगर आपको चाहिए तो आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की तस्वीर घर में रखिए। अगर हर तरह से शांति का वातावरण है, किसी तरह का कोई दुख नहीं है, तो आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में हनुमान जी की पूजा करना आप शुरू कर दीजिए। अगर भाई भाई में थोड़ी सी अनबन रहती है या भाईचारा बढ़ाना चाह रहे हों, तो वो ऐसी हालत में राम जी हनुमान जी को गले लगाए हुए हैं, इसकी भी तस्वीर आपको मिल जाएगी, गूगल से लेके कैलेंडर पे फोटो में कहीं भी मिल जाए, वो वाली तस्वीर घर में लगाइए। तो उससे क्या देखेंगे कि आपस में भाई भाइयों का भाईचारा बढ़ती है। बिल्कुल, तो वो भाईचारा बढ़ती है। अगर आपको भक्ति भावना बढ़ाना है कि हमारे अंदर हनुमान जी की भक्ति, कई लोगों का ना मन बहुत विचलित होता है पूजा करते वक्त, तो हमें भक्ति भावना बढ़ानी है तो दोनों हाथों में करताल बजाते हुए, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, जो नारद जी भी कई बार बजाते थे, हनुमान जी भी बजाते हैं, दोनों हाथ से बजाते, करताल ही शायद बोलते हैं, तो करताल बजाते हुए हनुमान जी की तस्वीर की पूजा कीजिए। करताल बजा के हनुमान जी भजन करते हुए श्री राम जी की स्तुति करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो वो वाला तस्वीर आप लीजिए और उसकी पूजा करना शुरू कर दीजिए। करताल शायद बोलते हैं, शुद्ध शब्द करताल ही होगा, माफ कीजिएगा अगर कहीं गलती हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। प्रमोशन अगर पानी है, जैसे आप कहीं जॉब में हैं या सरकारी जॉब में या प्राइवेट जॉब में या लिमिटेड कंपनी कहीं भी हैं, और आपका प्रमोशन में दिक्कत आ रही है तो आप उसमें पूजा करना चाहें हनुमान जी का, तो सफ़ेद दाढ़ी वाला है, सफ़ेद स्वरूप में हनुमान जी हैं, उनके बाल उल सफ़ेद हैं, माने वृद्ध अवस्था मान के चलिए, इस तरह की तस्वीर भी है, सफेद अवस्था में, सफेद भी उनके बालों का रंग वगैरह है, जब भीम से हाँ जी वृद्धावस्था में पूछ उठाने हाँ जी आई थी वो वाली तस्वीर है, हाँ तो उस तरह की भी तस्वीर मिल जाए तो उससे आप पूजा करना शुरू कर दीजिए। अब साहब ने अभी कुछ देर पूछा था कि उत्तरमुखी अगर हनुमान जी की तस्वीर हो तो क्या करना चाहिए। हाँ, जैसे दो है आमतौर पे हम लोग बताते हैं कि उत्तर दीवार पे लगा दीजिए, और कुछ भक्तों का प्रश्न भी है कि दक्षिण मुखी, मैं कुछ लोगों ने लिखा कि समझ नहीं पा रहे कहाँ लगाएं, हमने कहा उत्तर की दीवार पर लगाएंगे तो दक्षिण देखेंगे। और आपने साथ में ये भी कहा है अभी कि वास्तु दोष दूर करने के लिए कि पश्चिम की दीवार पर भी हनुमान जी की लगा दीजिए, वो पूरब की तरफ देखेंगे। अगर कोई बाथरूम हो, इस तरह की दिक्कत हो, तो कोशिश कीजिए कि तब तो मत लगाइए, आप पूरब में ही रख दीजिए। तो पश्चिम में लगाना है और उत्तर में भी लगाना है, हाँ। तो इन दोनों में कुछ, यही हमने पूछा था, हाँ, अंतर नहीं, नहीं। सबसे शुभ तो शुभ तो सब है, लेकिन उसमें जनरल केस में मैं बताया कि आपको दक्षिण मुखी रखना चाहिए, मतलब उत्तर दीवार पर लगा के, हाँ उत्तर दरवाजे पर लगा दे, दीवार पर लगा देंगे तो उनका ऑटोमेटिक मुंह वो दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। देखिए हम लोग अभी जहाँ बैठे हैं वहाँ भी हनुमान जी उत्तर दीवार पे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है, और ये दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। अब इसी तरह एक चीज सुनिए, कई बार उत्तर की दीवार पर उनका मुंह दक्षिण की दीवार पर लगाकर उत्तर की तरफ भी मुंह करना पड़ता है, अच्छा, उसको बोलते हैं उत्तरामुखी हनुमान जी की तस्वीर। अब उत्तरामुखी स्थिति तब ली जाती है, फाइनेंशियल स्थिति मेहनत करने के बाद भी उस तरह से इनकम अगर नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं शुक्र रूप में, अच्छा, उसको हम लोग बोलते हैं शुक्र की स्थिति बढ़ाने के लिए। शुक्र से भौतिक सुख बढ़ती है, धन की वृद्धि होती है, भोग विलासता बढ़ती है, तब उस स्थिति में उत्तरमुखी हनुमान जी की तस्वीर लिखिए, दक्षिण की तरफ उनका मुंह ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कहने क्रम में थोड़ा क्रम बदल गया, आप कह रहे हैं कि धन की दिक्कत अगर हो रही है तो दक्षिण दीवार पे लगाइए, उत्तर की तरफ देखेंगे, क्योंकि धन का आगमन उत्तर की तरफ, उत्तरमुखी बना दीजिए, उत्तरमुखी बना दीजिए, हाँ जी, दक्षिण की दीवार पे लगा दें, हाँ जी, हाँ जी, तो उत्तर की तरफ, हाँ, उत्तरमुखी हनुमान जी की तस्वीर से फाइनेंशियल स्टेटस सही होती है, भोग विलास की चीजें, जैसे आपके मन में है कि हमारे घर में भी गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो,
जो भी लग्जरियस आइटम है, तरह तरह की चीजें हैं। मुझे लगता है कि उत्तर से जो धन आगमन का दिशा कही जाती है, हाँ जी, कुबेर जी से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और हनुमान जी जिधर देखेंगे वहां। हाँ जी, हाँ जी, तो इस वजह से तो उसको बोलते हैं शुक्र की स्थिति। शब्द ही आया है साहित्य में शुक्र की स्थिति। अब देखिए एक छोटी सी बात बताऊं, सिक्योरिटी हर कंपनी में, बैंक में, हर ऑफिसेज में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, या आप कहीं मालिक बने हैं, आप कॉलोनी में रहते हैं तो वहाँ भी सिक्योरिटी, गांव में रहते हैं तो भी चौकीदार रखते हैं, उसके लिए कमरा लोग बनाते हैं जनरल। अब वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में या सिक्योरिटी रूम में अगर आपको कोई तस्वीर रखनी है तो हाथ में गद्दा लेके हनुमान जी के अलर्ट मुद्रा में जो तस्वीर है, चौकन्ना एकदम तैयार, कंधे पर वो लिए हुए हैं और खड़ा है, वो वाली तस्वीर आप लगाइए तो उससे क्या होगा कि उस जगह ही सिक्योरिटी और बढ़ जाती है। जिसके चौकीदार हनुमान जी बने, अब देखिए हम कलयुग में हैं, कलयुग के प्रहरी कौन है? हनुमान जी चिरंजीवी हैं और इन्हीं को वरदान है, और इसीलिए बोला गया कि और देवता चितन धरही हनुमत से सर सुख करही। तो हनुमान जी की क्या है कि पूजा कलयुग में सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इफेक्टिव है, इसलिए हनुमान जी की पूजा कीजिए। लेकिन इसका, इस बात का ये मीनिंग कोई ना लगाए कि हम दुर्गा जी की पूजा नहीं करेंगे, शिव जी की पूजा नहीं करेंगे, तो इनकी पूजा नहीं करेंगे। देखिए पार ब्रह्म के सारे स्वरूप हैं, ये ध्यान रखिएगा, सब देवता एक ही हैं ये हम। जी हाँ जी, बिल्कुल, और इसमें किसी भ्रम की आवश्यकता नहीं है। हाँ। और ईश्वर का तो ईश्वर तो एक ही है, स्वरूप अलग अलग, स्वरूप अलग अलग है। और आज के अर्थों में कहें तो विभाग बटा हुआ है, विभाग बटा हुआ, डिपार्टमेंट बटा हुआ है। संकट है तो हनुमान जी छुड़ाएंगे, छुड़ाएंगे, क्योंकि संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट से निवारण करने का हनुमान जी के पास ही है। हाँ जी, हाँ जी। और एक और अच्छी बात ये है, ये भी समझने की आवश्यकता है, जो कि बहुत सारे विद्वानों का इस पे स्पष्ट मानना है कि जितने सारे अवतार हुए जी उनकी एक लिमिटेशंस हैं, एक, हाँ जी, हाँ जी, एक दायरा है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे भगवान राम ही है तो नर लीला कर रहे हैं। हाँ हाँ। और नर की जो एक सामर्थ्य है उससे ज्यादा परे नहीं जाते। हाँ। लेकिन हनुमान जी असीमित है, इनके ऊपर कोई नियम, कोई बंधन नहीं है, काम नहीं करता। इसीलिए हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता भी हैं, और जन्म जन्म का दुख बिसराने की जो पावर दिया गया है, जो अधिकार है, वो हनुमान जी के पास ही है। जी आचार्य जी, बहुत अच्छी आपने बातें बताई, कुछ और शेष रहा है? हाँ, इसमें एक छोटी सी बात है, पंचमुखी हनुमान जी के जो वीडियो डली थी उसमें किसी भक्त ने कमेंट किया है कि मेरी वाइफ को कैंसर हो गया है, कुछ ऐसा उपाय बताया जाए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी ना पूरी धागे से, लाल धागे से उनकी शरीर की नाप ले लीजिए, उनकी लंबाई का, और अपने घर में हनुमान जी के चरणों के पास रख दीजिए। हनुमान जी से बोलिए कि वो रक्षा करें, और हो सके तो मंगलवार के दिन करें, और वहाँ पे कुछ लौंग वगैरह चढ़ा दें, और चना जो है उसमें गुड़ मिला के बंदरों को खिलाना शुरू कर दें। तो लाल बंदर को अगर खिलाते हैं आप तो भुना हुआ चना खिलाएं, और काले वाले लंगूर को खिलाते हैं तो वो सूजा हुआ, जिसको गीला बोलते हैं, वो चना डालें तो कैंसर में बहुत रिलीफ मिलती है। बाकी तो करने वाले परम पिता परमेश्वर हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जी जी, तो निश्चित तौर पे ये जो उपाय हैं आप करेंगे, और वैसे भी जितने सारे उपाय बताए जाते हैं उसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार तो होता है कि हनुमान जी के तो हज़ार मंत्र, हज़ार पाठ, जो आपको रुचिकर लगे उसको कीजिए। और आप जब बता रहे थे तो मेरे मन में तो ख्याल आ रहा था कि जुबान पे हनुमान जपत निरंतर हनुमत बीरा, और शयन कक्ष छोड़ दीजिए गृहस्थ हैं, तो जहाँ पर करें वहाँ हनुमान जी का लगाते रहिए, वो हर जगह शुभ फल ही प्रदान करेंगे। और वैसे अगर विशेष उपाय के लिए आप करना चाहते हैं, जैसे कि आचार्य जी ने बताया, हाँ जी, हाँ जी, कि कई बार होता है कि कुछ विशेष हमारी कामना होती है, कुछ काम अटक गया है, तो वहाँ ये जो उपाय आपने बताया है ये बड़े ही बहुत ही काम की साबित होगी। क्योंकि कई बार लोग चाहते हैं कि हमें कुछ विशेष बताइए कि ये उपाय हम करें और वो मुझे मिल जाए, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।